हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध बजरी से भरे डंपर ने ली एक और जान। शहर में बेरोक टोक चल रहे अवैध बजरी के डंपरों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। यहाँ एक डंपर ने बाइक सवार युवक की जान ले ली। इस पर क्षेत्रवासियों ने हाईवे जाम कर पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया। उनका कहना था कि हादसे के बाद वहां खड़ी पीसीआर वहां से फरार हो गई। हादसे में बाइक पूरी तरह से बिखर गई। कुड़ी पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिए जाने के बाद क्षतिग्रस्त बाइक के पार्ट्स एकत्र किए। फिलहाल मामले में तफ्तीश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद शहर में बजरी का अवैध खनन पर परिवहन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। इसको रोकने में जहां पुलिस नाकाम नजर आ रही है, वहीं बजरी माफियों का हौसला बुलंद है। अवैध बजरी खनन कर परिवहन के इस खेल में सोमवार सुबह जोधपुर पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुड़ी गांव के समीप गलत दिशा से आ रहे अवैध बजरी से भरे एक डंपर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। पाली जिले के रामदेव रोड स्थित पंचम नगर का रहने वाला बालकिशन उम्र 20 साल, पुत्र जोधा राम, स्टाइलिश बाइक लेकर पाली रोड से जोधपुर की तरफ आ रहा था। जब वह बाइक लेकर झालामंड के नजदीक पहुंचा, तब कुड़ी संस्कृति स्कूल के पास डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बालकिशन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आए दिन हो रहे हादसों के बावजूद भी बजरी का परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने को लेकर विरोध जताया। घटना के बाद ग्रामीणों ने हाईवे बंद कर दिया। इसके चलते हाईवे पर आधा किलोमीटर लंबी लाइन वाहनों की कतारें लग गईं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यप्रणाली का विरोध जताया। लोगों ने आरोप लगाया कि बजरी का डंपर जिस समय मौके से गुजर रहा था, उस समय पुलिस कंट्रोल रूम की एक वैन भी मौजूद थी, लेकिन बजाय कार्यवाही करने के उसने रिश्वत लेकर डंपर को जाने दिया। वहीं हादसे के बाद पीसीआर में मौजूद पुलिसकर्मी वैन लेकर मौके से फरार हो गए। बता दें कि करीब 2 महीने पहले भी इस जगह पर दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।